हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एमसीएस 0112 कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग ब्लॉक 2 बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन यूनिट 8 द आईओ टेक्नोलॉजी। इसके अंदर हमने कीबोर्ड के बारे में पढ़ लिया है, माउस के बारे में पढ़ लिया है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज वीडियो कार्ड्स। वीडियो कार्ड्स क्या होते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो कार्ड क्या होता है, जैसे आप इसके अंदर ये स्क्रीन दिख रही है आपको, ठीक है? आप जिस पे भी अपने लैपटॉप में मोबाइल फोन में देख रहे हैं तो ये स्क्रीन दिख रही है। इस स्क्रीन के अंदर ये जो कलर दिख रहा है आपको, यहाँ पर ब्लू कलर है, यहाँ पर वाइट कलर है, ये जो पिक्चर दिख रही है उसके अंदर कुछ अलग डिफरेंट कलर लिए हैं, वाइट है, ब्लैक है एंड और थोड़ा सा मीन्स क्या बोल सकते हैं इस कलर को, डिफरेंट कलर है, ठीक है? तो इस तरह के आपके पास में अलग अलग कलर है, जैसे यहाँ पर लोगो दिख रहा है तो यहाँ पर इस कलर को, तो मतलब ये चीजें कैसे आपको पता लग रही है, ये विद द हेल्प ऑफ वीडियो कार्ड्स की हेल्प से हमें ये चीजें दिखाई देती हैं। और वीडियो कार्ड्स में क्या होता है, जैसे यहाँ पर ना छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं, छोटे छोटे बिल्कुल पिक्सल होते हैं जिसके बेसिस पे वहां पर हमें पता लगता है कि वो पिक्चर जो है, जिसके बेसिस पे हमें पता लगता है कि कहाँ पर पिक्चर जो है वो हमें डिस्प्ले हो रही है। जैसे कि पिक्सल्स क्या होते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होते हैं किसी भी पिक्चर के, जो भी आपको पिक्चर दिखाई दे रही है ना, इस पिक्चर के अंदर जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या है, हमारी पिक्सल्स है। उन पिक्सल्स को कलेक्ट करके, ठीक है, उन पिक्सल्स को अरेंज करके किस इस तरह से, जिसकी वजह से आपको वहां पर कभी यहाँ पर देखो कुछ इस तरह का दिखाई देगा, फिर यहाँ पर इस तरह का दिखाई देगा, ठीक है? अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट की तरह के पिक्चर्स में आपको डिफरेंट टाइप का कलर दिखाई देता है, ठीक है? उसके बेसिस पे हमें पता लगता है कि हाँ ये इस चीज़ की पिक्चर है, ये इस चीज़ की पिक्चर है, ठीक है? कोई कोई पिक्चर्स हमें काफ़ी अच्छी लगती है, अट्रैक्टिव लगती है, कोई पिक्चर्स हमें बहुत कम अट्रैक्टिव लगती है। तो वहाँ पर पिक्सल्स का खेल है सारा, मतलब जिसके पिक्चर्स अच्छे होंगे वो दिखने में काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है? ऐसा सोच लो कि हमारे पास कोई इमेज है, उस इमेज में हम क्या कर रहे हैं, उसके पिक्सल्स बढ़ा देंगे तो मतलब उसका मेकअप कर रहे हैं, है ना? इस तरह से मतलब यहाँ पर हमारा क्या है कि बहुत सारे पिक्सल्स हैं, पिक्सल्स को मतलब किसी भी पिक्चर्स को आपको अगर बनाना है तो उसके अंदर आपके पास में बहुत सारे पिक्सल्स होते हैं। उस पिक्सल्स का जो रिजोल्यूशन होता है, रिजोल्यूशन क्या होता है, देखो रिजोल्यूशन इज अ पैरामीटर दैट डिफाइन द पॉसिबल शार्पनेस ऑफ क्लियरिटी ऑफ अ वीडियो इमेज। कोई भी वीडियो इमेज है आपके पास में तो उसकी शार्पनेस दिखानी है कि कितना वो शार्प है और कितनी क्लियरिटी है उसके अंदर, वो हम रिजोल्यूशन के तौर पर दिखाते हैं। जैसे आप अभी अगर ये देख रहे होगे, जब आप देखते हैं ना कि वीडियो क्वालिटी कैसी करनी है, तो उसके अंदर आप देखते हैं कि 64 ये मीन्स 480 पिक्सल्स की देखना है या 720 पिक्सल्स देखना है। जब वीडियो देख रहे हैं आप यूट्यूब पे तो आप ये जाकर देख सकते हैं, वीडियो एडवांस में जाकर, तो वहां पर हमें ये ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आपको किस तरह के पिक्सल्स में देखना है। तो मतलब क्लैरिटी थोड़ी सी आपकी जो है इमेज की वो बढ़ जाती है, ठीक है? तो ये हमारा रेजोल्यूशन होता है। ये अलग अलग मीन्स अलग अलग जिस तरह के कंप्यूटर होते हैं तो अलग अलग तरह के पिक्चर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। जैसे अगर आप अभी इसमें नेट में थोड़ा मीन्स अगर आप वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो उसमें जब आप उसके पिक्चर्स को बढ़ा लेते हैं तो वहां पर आपका थोड़ा नेट ज्यादा यूज होने लगता है ना, ऐसे करके पिक्चर्स में थोड़ा थोड़ा मतलब उसकी क्वालिटी इंक्रीज कर रहे हैं हम, मीन्स देखेंगे अच्छी दिख रही है, क्लियरिटी आ रही है उसके अंदर, तो थोड़ा सा नेट जो है वहां पर हमारा ज्यादा लगता है, ठीक है? तो यहाँ पर अलग अलग इमेज में अलग अलग हमारे पास में पिक्सल्स यूज होते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर हम एग्जांपल देखें 640x480, तो ये जो 640 है वो किसको दिखा रहा है, 640 दिखा रहा है हमारा कि हॉरिजॉन्टल इसका क्या है, ठीक है? हॉरिजॉन्टल का मतलब कि जो रो साइज है, इस चीज को बोलेंगे ये जो हमारी टर्म है, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा रो पूरा का पूरा, इसको हम दिखा रहे हैं 640 से, यानी कि हॉरिजॉन्टल कितना साइज रहेगा और जो वर्टिकली कैसा साइज रहेगा वो हम दिखा रहे हैं 480 से, वर्टिकली यानी कि इस तरह से कॉलम वाइज इसका कैसा साइज रहेगा वो हम वर्टिकली शो कर रहे हैं, ठीक है? तो ये हमारा है रेजोल्यूशन। अब इसके आगे भी देखते हैं हम कलर डेप्थ। कलर डेप्थ में क्या होता है, देखो अगर मान लो कि अगर मेरे को सिर्फ दो कलर चाहिए, लाइक ब्लैक एंड व्हाइट, जैसे आप एक जैसे सफेद पेज है, व्हाइट कलर का पेज है, उसके ऊपर पेंसिल से ड्रॉ कर रहे हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट दो कलर हो गए। अब इसको दिखाने के लिए क्या करते हैं, मतलब जहां पर आपने पेंसिल चलाई है तो वहां पर आप पेंसिल चला रहे हैं तो मतलब वहां पर ब्लैक ब्लैक हो जाएगा और बाकी जगह व्हाइट रहेगा। तो अगर आप इसको कंप्यूटर की फॉर्म में मीन्स अगर इसको स्क्रीन पर दिखाना चाहते हैं तो कैसे दिखाएंगे, जहां पर नॉर्मल व्हाइट कलर है उसको हम एज इट इज रखेंगे, जहां पर ब्लैक कलर है उसको हम किसी तरह से ऑन कर देंगे, पिक्सल उस पिक्सल को ऑन कर दिया, दैट मीन कि हमारा जो कलर था वो वहां पर चल गया। ऐसे ही करके हम वहां पर बना सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखो अब डिफरेंट डिफरेंट कलर आपको मिलेंगे, ठीक है?
जैसे कि मोनोक्रोम है, या फिर 16 कलर है, 256 कलर है, हाई कलर है, या फिर ट्रू कलर है. तो डिफरेंट डिफरेंट कलर में आपको डिफरेंट डिफरेंट पिक्सल्स मिलेंगे. डेप्थ कितनी होगी इसमें? बिट पिक्सल, मतलब कितने पिक्सल्स रहेंगे इसमें? 1 रहेगा, इसमें 14 रहेंगे, इसमें 8 रहेगा, इसमें 16 रहेगा, इसमें 24 रहेगा. जो 24 होता है वो इसको ट्रू कलर इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो हमारी आईज है, मतलब इतने कलर्स को हमारी आईज जो है वो कैच कर सकती है, जो ह्यूमन आईज है, ठीक है, इतने कलर को जो है वो कैच कर सकते हैं. इससे ज्यादा कलर हो गए तो हमें पता ही नहीं लगेगा. तो प्रोग्रामर्स के लिए ये चीज अच्छी हो जाती है कि मतलब जो इतने कलर है 24 पिक्सल्स तक वो हमें दिखा सकते हैं. देखो इसको अगर इंक्रीज करते हैं ना, 32 पिक्सल्स का भी आता है, तो उसमें जब हम उसको इंक्रीज करते हैं, ठीक है, इसको आप ट्रू कलर को यानी कि अपर लिमिट भी बोल सकते हैं, 20 पिक्सल्स तक हमें देखने को मिल जाता है. ये हमारी अपर लिमिट है, मतलब ह्यूमन आईज जो है वो इतने कलर्स को कैच कर सकती है, ठीक है. अगर इसके आगे मीन्स इसी पिक्सल्स के अंदर आपको मिलियंस ऑफ कलर दिख जाते हैं, ठीक है, मीन्स इतने सारे आपके पास में पिक्सल्स होते हैं, इसके बाद में अगर आप 32 बिट पिक्सल्स ले रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है, अल्फा चैनल्स को जुड़ जाते हैं, जिसमें क्या होता है कुछ उसके स्पेशल इफेक्ट, यानी कि जो आप अल्फा चैनल्स को ढूंढ मीन्स उसमें कनेक्ट करेंगे, तो वो क्या होते हैं, हमारे कुछ स्पेशल इफेक्ट, मतलब आपके वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज करने के लिए उसका यूज किया जाता है. तो ये हमारे हुए कुछ कलर डेप्थ, इसको आप डेफिनेशन को पढ़ सकते हैं, ठीक है. उसके बाद में हमारा वीडियो मेमोरी. तो वीडियो मेमोरी देखो ये हमारा क्या है, मदरबोर्ड. तो मदरबोर्ड के अंदर यहाँ पर एक वीडियो मेमोरी लगा हुआ है. अब इसके अंदर देखो क्या है, वीडियो मेमोरी इज अ मेमोरी ऑन अ वीडियो कार्ड एंड इट इन सम केसेस ऑन द मदरबोर्ड दैट स्पेशली बाय द वीडियो एंड कंप्यूटर प्रोसेसर विद मोर वीडियो मेमोरी द वीडियो कार्ड एंड कंप्यूटर आर कैपेबल ऑफ हैंडलिंग मोर कॉम्प्लेक्स ग्राफिक एंड एट अ फास्टर रेट. वो डिपेंड करता है कि आप अपने कंप्यूटर या पीसी के अंदर उसको इंक्रीज कर सकते हैं या नहीं. अगर इंक्रीज कर सकते हैं तो फिर वो मीन्स एक अलग मीन्स उससे ज्यादा अच्छी क्वालिटी का जो ग्राफिक्स है वो आपको दिखा सकता है, ठीक है. अगर आप अपने वीडियो मेमोरी को अपग्रेड करा सकते हैं या फिर अलग तरह के वीडियो ग्राफिक मेमोरी को उसके अंदर यूज कर सकते हैं, तो वहां पर आपको वेराइटी ऑफ मीन्स की जो आप देख रहे हैं ग्राफिक्स देख रहे हैं उसके अंदर थोड़े फास्टर ग्राफिक्स मिलेंगे, उसका रेट अच्छा रहेगा. तो मतलब जल्दी जल्दी अगर आप उसमें चला रहे हैं, जैसे कोई काफी अच्छी ग्राफिक्स वाली गेम्स है, तो वहां पर अगर वैसा आप उस गेम में खेल रहे हैं तो फटाफट फटाफट जो ग्राफिक्स है वो आप देख सकते हैं. अब इसको अंडरस्टैंड करते हैं. लेट अस डू द कैलकुलेशन ऑफ द स्टैंडर्ड VGA ग्राफिक स्क्रीन 640 एंड 480 यूजिंग 16 कलर्स, ठीक है. तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पिक्सल कितने हैं आपके, 640 क्रॉस 480, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे देन यू गेट 307200. अब यहाँ पर कलर कितने हैं आपके पास में, कलर को आप 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, मतलब 16 है ना, तो 2 की पावर 4 लिख सकते हैं हम इसको. तो यहाँ पर हमने 4 बिट लिख दिया. अब टोटल मिनिमम मेमोरी आपके पास में कितनी रहेगी, 1 2 2 2 8 800 bits, ठीक है. और उसके बाद में जो आपके पास में मिनिमम मेमोरी है, मेमोरी इन बाइट, वो कितनी हो जाएगी, 153 600 bytes. और इसके लिए आप कितना यूज कर सकते हैं, 153 KB, मतलब KB में अगर इसको शो करेंगे तो हम कितना यूज कर सकते हैं, 1537 B, मतलब KB हो गया 153 KB. अब मिनिमम वीडियो रैम जो आपके पास में रिक्वायर्ड होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 256 KB की वीडियो रैम जो है वो आपके पास में अवेलेबल होनी चाहिए अगर आप इतने ग्राफिक्स को देखना चाहते हैं तो, ठीक है. देयरफॉर 16 कलर VGA नीड्स एटलीस्ट 153 600 byte of memory, but memory is only available in exponential power of 2. Hence, the next highest available memory is 256 KB. मतलब 153 पे काम तो चलेगा, लेकिन उससे थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा वजन, क्योंकि जब आप 2 की पावर्स में इसको लिखोगे, क्योंकि जब भी आपकी जो भी आपने देखा होगा कंप्यूटर में, जब आप रैम लेने जाते हो या फिर कुछ भी होता है, तो यहाँ पर हमेशा क्या होता है, ये 2 की पावर्स में ही मिलता है. तो 256 मतलब इसके बाद वाला बिट है, वही हम इसको यूज करेंगे. तो इसलिए हमने यहाँ पर 256 KB रखा है. आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा. अब नेक्स्ट क्या पढ़ते हैं हम, ग्राफिक एसिलेटर एंड 3D एसिलेटर. इसमें क्या होता है, अ ग्राफिक एसिलेटर इज यूजली एक्चुअली अ चिप. ये क्या होती है, एक चिप होती है. इन फैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट चिप इन योर वीडियो कार्ड, एक वीडियो कार्ड के अंदर आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चिप होती है. द ग्राफिक एसिलेटर इज एक्चुअली द मॉडर्न डेवलपमेंट ऑफ द मच ऑर्डर टेक्नोलॉजी कॉल्ड द ग्राफिक कोऑपरेशन, ठीक है. जो ग्राफिक कोऑपरेशन का था उसका हमारा थोड़ा सा मॉडर्न डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी है ये ग्राफिक एक्सीलेटर,
डेसिलेटर चिप इज एक्चुअली अ चिप दैट हैज बिल्ड इन वीडियो फंक्शन. इसके अंदर क्या होते हैं, खुद ब खुद बिल्ड इन फंक्शन अपने आप ही आते हैं बने हुए. ठीक है, अब व्हाट इज 3D एक्सेलेरेटर. 3D एक्सेलेरेटर में क्या होता है, जो 3D इमेजेस वगैरह होती हैं वो हम देख पाते हैं. 3D एक्सेलेरेटर इज नो मैजिक टेक्नोलॉजी, इट इज सिंपली अन एक्सेलेरेटर चिप that has built in ability to carry out the mathematics and algorithm required for 3D images. ki 3D image ko show karne ke liye jo aapko mathematics and algorithm ki requirement hoti hai wo iske andar inbuilt aate hain. theek hai, khud hi isme generate hote hain pehle se, to uske basis pe aapko 3D image jo hai wo dikhai deti hai. a 3D imaging is simply an illusion, a projection of 3D reality of on a 2D screen. कि मतलब 2D screen पे आप 3D को देख सकते हैं, ये एक तरह का illusion है. These are generated by projection and perspective efforts by depth and lighting effect. मतलब इसके अंदर क्या होता है, कुछ lighting effect डालते हैं, कुछ depth का concept use करते हैं, means उसके अंदर color वगैरह effect अलग से डालते हैं, transparency effect and technology का use करते हैं, such as ray tracing. Ray tracing path of the light rays emitted from the light source and that buffering. जेड बफरिंग क्या होता है, अ बफर स्टोर द जेड एक्सेस पोजिशन एंड डबल. जैसे हमारे पास में एक्स और वाई को शो करने के लिए एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस होते हैं, लेकिन जब आप 3D शो करें तो वहां पर जेड एक्सेस आ जाएगा, तो जेड बफर भी आपको रखना पड़ेगा जिसमें आप जेड एक्सेस को शो कर सके. एंड डबल बफर टू बफर इंस्टेड ऑफ वन, वन की जगह पे आपको डबल बफर रखना पड़ेगा जिसमें आप उन दोनों की एक्सेस को नोट कर सके. तो आई होप कि आपको 3D एक्सेलेरेटर समझ में आया होगा. नेक्स्ट इज वीडियो कार्ड इंटरफेसेस. वीडियो कार्ड इंटरफेसेस ना आपके पास में अलग अलग वैरायटी के होते हैं. जैसे कि अ वीडियो कार्ड इंटरफेस एक्चुअली में होता क्या है, अ वीडियो कार्ड इंटरफेस इज अ लाइक ऑफ द वीडियो सिस्टम टू रेस्ट ऑफ द पीसी टू इनहेंस वीडियो परफॉर्मेंस. दिस इज सॉट टू बी अन इंटीमेटेड कनेक्शन बिटवीन द माइक्रो प्रोसेस एंड द वीडियो सिस्टम स्पेशली द फ्रेम बफर. अब यहाँ पर जो फ्रेम बफर होता है वो क्या होता है, फ्रेम बफर होता है जैसे आप इमेज पे कुछ भी देख रहे हो, ठीक है, तो वो कहीं पर स्टोर होता है. ठीक है, मतलब बिफोर एन इमेज कैन बी डिस्प्ले, मतलब कोई भी इमेज अगर आप देख रहे हैं उसको डिस्प्ले होने से पहले वो किसी मतलब कहीं पर स्टोर होता है. वो जो स्टोर होता है जहां पर जिस भी मेमोरी में स्टोर होता है उसको हम फ्रेम बफर कहते हैं. अब यहाँ पर हमारे पास में जो मतलब ये स्पेशली मतलब आपके जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं या फिर वीडियो होता है उन दोनों के बीच में एक कनेक्शन बिठाने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, और यहाँ पर फ्रेम बफर में हम क्या करते हैं उसको स्टोर करके रखते हैं. अब यहाँ पर इंटरफेसेस जो है आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मिल जाते हैं. फर्स्ट इज PCI, AGP एंड UMA. जो हमारा PCI होता है ये क्या है, पेरिफेरल कनेक्शन ऑफ कनेक्टेड इंटरफेसेस है इसकी फुल फॉर्म. अब इसमें क्या होता है, जैसे ये एक मतलब इसका रिवोल्यूशन जो होता है वो हाई होता है. ठीक है, रिवोल्यूशन हाई स्पीड एक्सपेंशन बस जो इंटेल के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था. अब इससे पहले जो हमारा इंटरफेस आता था दैट इज ISA, अब उसको जब अपग्रेड किया गया तो हमें PCI मिला. उसके बाद जब हमने PCI के कुछ एडवांस वर्जन को देखा तो हमने EGP बनाया. AGP एडवांस और एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट्स. इसके अंदर हमारे पास में तीन चीजें आती हैं, दैट इज पाइपलाइन मेमोरी जिसके अंदर हमें वेट नहीं करना पड़ता और जो हमारी जो वेटिंग वाली स्टेट होती है उसको एलिमिनेट कर देते हैं, मतलब कि जल्दी जल्दी हमारा परफॉर्मेंस जो है वो होता है. सेपरेट यहाँ पर एड्रेस लाइन एंड डेटा लाइन मिल जाती है. उसके बाद में जो इसकी स्पीड होती है वो हमारी काफी अच्छी मिल जाती है, 2 क्रॉस मोड एंड अलाउ करता है ये. ठीक है, उसके बाद UMA जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड मेमोरी आर्किटेक्चर. इसके अंदर लो कॉस्ट मीन जो आपका लो कॉस्ट मदरबोर्ड में बेसिकली ये देखने को मिलता है और AGP की तरह परफॉर्म नहीं कर सकता है. मतलब ये जो AGP है काफी एडवांस वर्जन है, काफी अच्छा परफॉर्मेंस आपको ग्राफिक्स का इसमें देखने को मिल जाता है. ठीक है, और UMA है जो है वो थोड़ा सा इससे कम पावरफुल है, मतलब इतनी अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी आपको इसमें देखने को नहीं मिलती है. तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अपने जो भी सजेशन या फिर कोई क्वेरी है. चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको मिल सके. थैंक यू फॉर वॉचिंग.